दोस्तों, फन और एक्टिविटीज करना किसे पसंद नहीं होता। लोगों की हॉबीज भले ही अलग अलग हो, लेकिन सबका इंटेंट खुश रहना ही होता है, और ऐसा करने के लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। और ऐसे में मोबाइल एक अहम हिस्सा तो बन चुका है। चाहे आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आजकल उसे करते हुए रिकॉर्ड करना या फोटो खींचना आम बात है, लेकिन कभी कभार ऐसा करते करते कुछ ऐसे अनप्लान्ड मोमेंट्स भी हो जाते हैं जिसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता, और बाद में भले ही उन्हें देखकर हंसी आती हो, लेकिन उस समय डर या पैनिक का ऐसा माहौल छा जाता है कि कुछ समझ नहीं आता। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड और अलग चीज़ें करते हुए लोग दिखाएंगे जो शायद उन्होंने भी करते हुए एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, और वो कैमरा में रिकॉर्ड भी हो गए। तो ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखना भाई। हमारे देश में घरों में ट्रैम्पोलिन रखना शायद उतना कॉमन नहीं है, लेकिन बाहर के देशों में कई लोग अपने घरों के पीछे गार्डन में इसे लगाकर रखते हैं। ऐसे ही एक ट्रैम्पोलिन पर ये आदमी आपको कूदते हुए दिखाई दे रहा है और बड़े ही मजे करते दिखाई देता है, लेकिन वही उसे कंपनी देने के लिए उस ट्रैम्पोलिन पर एक सांप कहीं से आ जाता है, जिसे वो आदमी कुछ देर बाद देखता है और फिर उसकी जो हालत होनी थी वो तो जाहिर है। शायद सांप भी उसके साथ ट्रैम्पोलिन पर खेलना चाहता था। किसी के भी घर जाने से पहले कोई भी काफी तैयार होकर जाता है ताकि वो अच्छा दिखे, और वो जिसके घर जा रहा है उन पर उसका एक अच्छा इम्प्रेशन बन सके। ये भाई साहब भी जरूर इसी सोच में आए होंगे, लेकिन इनका इम्प्रेशन एक पंछी ने खराब कर दिया। ये भाई साहब घर की बेल दबाकर दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे, और तभी एक पंछी ने उन पर अपना पूरा शो दिखा दिया। अब ये शो अगर बेल बजने से पहले हुआ होता तो शायद वो आदमी वापस भी चला जाता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और दरवाजा खुलते ही सब उस पर हंसने लगे, और उसके पास भी खुद पर हंसने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। हर कोई कहीं ना कहीं किसी तरह की मेहनत करता है, फिर चाहे वो कोई भी काम हो। अब जब किसी काम में बहुत मेहनत लगी है तो उसके पूरे होने पर उतनी ही खुशी भी होती है। रोड बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, ऐसी जगहों पर वर्कर्स को और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक रोड का पैच वर्कर्स ने काफी मेहनत करके बनाया है और उसे फिनिशिंग दी जा रही है, लेकिन वहाँ कहीं से एक आदमी सीधे गीले सीमेंट पर ही चलते हुए वहाँ से चले जाता है। इसके बाद उन वर्कर्स के दिल को क्या लगा होगा ये आप सोच ही सकते हैं। जंगल में कैंपिंग या ट्रेक करना कुछ लोगों को काफी पसंद होता है, और अक्सर लोग ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहां वो पहले कभी नहीं गए हो, और कहीं भी जाने से पहले उस जगह के बारे में रिसर्च कर लेनी चाहिए, जो काफी लोग करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। जंगल में अक्सर जंगली पौधों वगैरह को छूने से बचना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से खराश, खुजली या फिर एलर्जी हो सकती है, लेकिन अब कुछ लोगों को अगर पहले से ही खुजली हो तो क्या ही कर सकते हैं। जैसे कि यह आदमी, इसे जंगल में एक वाइल्ड ग्लिजी मिला जिसे वो कैमरे में दिखाकर सीधे अपने मुंह में डाल देता है, जिसके बाद क्या हुआ ये आप देख ही सकते हैं। I found some wild glizzies. लेकिन इसका परिणाम ये भाई साहब भी महसूस कर सकते हैं। भाई क्या जरूरत थी ऐसा करने की। शॉपिंग हर इंसान के लिए एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। कुछ लोगों को शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है तो कुछ की जरूरत होती है। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग ने यह काम काफी आसान कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी शॉपिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, शॉपिंग करते समय क्या खरीद रहे हैं इसका हमेशा ख्याल और ध्यान रखना चाहिए, वरना इस बच्चे के जैसा हाल हो सकता है। इस बच्चे की माँ ने उसके लिए एक मैकडोनल्ड्स के लोगो वाली टी शर्ट खरीदी, जिसे यह बच्चा स्कूल के फंक्शन में पहनकर भी गया, लेकिन वापस आने के बाद उसे पता चला कि असल में वो क्या पहनकर स्कूल गया था। क्योंकि बहुत ही कम लोगों को इस टी शर्ट पर मैकडोनल्ड के लोगों के अलावा कुछ और भी दिखाई दिया। समझ रहे हो? समझ रहे आप?
इंटरनेट और टीवी के जमाने में आज हमें एड्स हर जगह देखने मिलते हैं। एडवर्टाइज की मदद से ही कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है और बिकता है, लेकिन सिर्फ किसी एड को देखकर कोई प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहिए। एक आदमी ने ऐसा ही एक ऐड देखकर $60 के 3 बड़े हवा भरने वाले 128 इंचेस के प्लेन्स ऑर्डर किए, लेकिन उसे जब अपना ऑर्डर डिलीवर हुआ तो एक छोटे से पैकेट में और बहुत ही छोटे छोटे प्लेन्स डिलीवर हुए। Today I got the package in the mail. The package. And this is what I got. I got 4 of these vending machine airplanes. Does it look like it's 120 inches to you? जिसका फर्क आप उस एड के वीडियो में और उस आदमी के रिकॉर्डेड वीडियो में देख सकते ही है। इसके बाद आप उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल तो देख ही सकते हैं। Is it if y'all see an ad to buy 3 120 inch airplanes for $60 and get one free? Don't do it, because you're gonna get screwed. जिंदगी में मेहनत और हार्डवर्क करने के बाद अगर कोई चीज सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है किस्मत। किस्मत ही किसी को कामयाब और सफल बनाती है, बस उसके लिए सही समय पर सही फैसले लेने पड़ते हैं, जिसमें कई बार रिस्क भी होता है, लेकिन कभी कभी वो रिस्क लेना भी जरूरी होता है, वरना बाद में पछता कर कोई फायदा नहीं होता। इस वीडियो में एक लड़का दुकानदार से कह रहा था कि वो $20 यानी तकरीबन 1500 रुपये में उससे वो मिस्ट्री बॉक्स खरीद ले। If you want to give me $20, it could be yours. जिस पर वो दुकानदार उस लड़के से पूछता है कि उस बॉक्स में क्या है, तो लड़का उस दुकानदार से कहता है कि वो एक मिस्ट्री बॉक्स है और उसे खरीदने के बाद ही उसके अंदर क्या है वो देखा जा सकता है। लेकिन दुकानदार उस लड़के से कहता है कि उसे वो मिस्ट्री बॉक्स नहीं खरीदना। No, I don't want to do that. I'm kind of begging you to take it for $20. No, I'll pass. वो लड़का एक आखिरी बार फिर से उससे पूछता है, लेकिन दुकानदार फिर से मना कर देता है। जिसके बाद लड़का उस दुकानदार को वो बॉक्स खोलकर दिखाता है, तो उस बॉक्स में $6,000 होते हैं। मतलब उस दुकानदार को करीब 1500 रुपये में 4.5 लाख रुपये मिल सकते थे, लेकिन वो रिस्क लेने और अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार नहीं था, जिसका अफसोस उसे शायद जिंदगी भर रहेगा। Well, let's see. You could have had $6,000. Oh my gosh. $6,000, huh? If you would have taken the box. Let me see one of them. Well, no. Oh my gosh. Are you serious? You swear to God, if I gave you $20, that would all have been mine. Yeah. You know what they say? Sometimes you got to take the gamble. Yeah. दोस्तों, अगर कोई लड़का आपके सामने ऐसा बॉक्स लेके आता, तो क्या आप खरीद लेते या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उल्लू उनकी कमाल की नजर और बड़े पंख से भरने वाली उड़ान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरह हर किसी का दिन खराब होता है, शायद इस उल्लू का भी था, जो उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था और उसके बाद वहीं पे गिर जाता है और उसके बाद यहाँ वहाँ देख रहा है। उसे भी यकीन नहीं हो रहा कि ये कैसे हो गया। जब कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो या कोई एडवेंचर कर रहे हो, तो वो मोमेंट बहुत ही खास होता है और कोई भी उसे रिकॉर्ड करना चाहेगा, ताकि वो उस अच्छे वक्त को वीडियो के तौर पे बाद में भी देख सके। जिपलाइन की सवारी करता हुआ ये आदमी भी ऐसा ही कुछ कर रहा था, लेकिन शायद ही वो रिकॉर्ड हुआ वीडियो दोबारा देखेगा, क्योंकि तेजी से जिपलाइन से नीचे आते समय उसके सामने का एक दांत उखड़ जाता है। बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान चेहरे पर केक लगाना या उससे खेलना एक बहुत ही गलत बात है, लेकिन अब इस वीडियो में जो आप देखने वाले हैं उसे क्या ही कहेंगे। एक लड़की बर्थडे बॉय का चेहरा केक पर मारने वाली होती है, लेकिन शायद उसने कुछ और ही कर दिया। किसी भी स्पोर्ट में स्किल्स की बहुत जरूरत होती है, जो कि मेहनत करके धीरे धीरे डेवलप होते हैं। अब जो बास्केटबॉल प्लेयर आप देख रहे हैं, इसकी जबरदस्त स्किल्स का कहना ही क्या। सामने वाले को बॉल देना तो दूर, उसे देखने भी नहीं दे रहा। वो इस तरह से बॉल ड्रिबल करके इतनी सफाई से पास कर देता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि बॉल उसके पास नहीं है।
प्रैंक्स करना आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है। एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर एक केक मंगाया और उसे बीच में से काट कर उसके अंदर एक नए आईफोन का बॉक्स रख कर उसे ऊपर से कवर कर दिया। जब उसकी गर्लफ्रेंड ने केक काटा तो उसने देखा उस केक में कुछ है। उसने वो बॉक्स निकाल कर देखा तो उसमें नए आईफोन का बॉक्स था। यह देखकर वो बहुत खुश हो गई और बॉक्स खोलने से पहले ही उसने अपना पुराना फोन फेंक कर तोड़ दिया, क्योंकि उसे अब नया फोन मिलने वाला था। लेकिन जब उसने वो बॉक्स खोला तो उसके अंदर एक एप्पल था। असल में उस लड़के ने उसके साथ ये प्रैंक किया था जो शायद अब उसे काफी महंगा पड़ेगा, क्योंकि उस लड़की ने तो अपना पुराना फोन तोड़ दिया। लेकिन नया फोन मिलने के बाद पुराना फोन कौन तोड़ता है भाई? अगर आपके साथ भी कोई ऐसा मजाक करता है तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना भाई। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको पूरी वीडियो में से कौन सी क्लिप सबसे ज्यादा फनी या फिर इंटरेस्टिंग लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी, तो यार एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर भी करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।